शनिदेव के प्रति जो मेरा भी डर था थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल निकल गया, क्योंकि जो लोग सही काम करते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत है ही नहीं, और जिसे कहें भगवान से रिलेटेड, तो इसमें जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कुछ भी ऐसे इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है जो जी में है कुछ कर सकते। जो राइटर ने बहुत रिसर्च के बाद लिखा हुआ है, तो पहले तो एक दो दिन जब शूट नहीं भी था तो भी मैं पहन के घूम रहा था ताकि आदत पड़ जाए, वरना तो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। आज हम आ गए बहुत ही ग्रैंड सेट पर, तो बता दूं मैं आपको, ये है कर्माधिकारी शनिदेव का सेट और खुद शनिदेव हमारे साथ हैं। हेलो विनीत जी, कैसे हैं आप? टेली मसाला और शेमारू टीवी के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। बस लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा शो लेके आए हैं, उम्मीद है आपने देखा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जस्ट पीछे ही बोर्ड लगा हुआ है शो का, शनिदेव भी उसमें साक्षात आपको दिख रहे हैं, तो लुक भी आप देख सकते हैं कितनी मेहनत की जा रही है यहाँ सेट पर शनिदेव जी को पूरा दिखाने के लिए, कि हाँ जितना मतलब हम जानते हैं साढ़े साथी वगैरह जो भी ग्रह होते हैं, जितना हमें डर रहता हमारे मन में, विनीत जी उसे पूरी तरह से बताएंगे कि जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं, उसके पीछे भी कोई वजह होती है जो वो खुद बताएंगे। अब तक आपको कितना पता चल गया, बिकॉज मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें भी जानने मिल रही है। रोज़ मेरे ज्ञान में ना बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और शनिदेव के प्रति जो मेरा भी डर था थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल निकल गया, क्योंकि जो लोग सही काम करते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत है ही नहीं। और वैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं ना, हमारा एक है कर्मा की बात करते हैं हम, कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, तो शनिदेव बस उसी के हैं, आप अच्छा करोगे बहुत अच्छा मिले हो। तो मतलब जितना मुझे समझ आया अब तक, सिर्फ सब अपने हाथ में है, अपने कर्म के हिसाब से है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अच्छे काम किए, उल्टा ये है कि उनकी जो दशाओं के बारे में जो हमारे पौराणिक उससे जो हमें मिलता है, तो उसमें तो हमें और ज़्यादा अवसर मिलता है, उसमें जितना हम अच्छा करेंगे उसके लिए हमारे आगे का जीवन उतना सफल हो जाता है। इसी के साथ ही अब हम आपको दिखाएंगे पूरा सेट यहाँ पे कैसे शूट होता है, कितनी मेहनत लगती है और यूनिट कितनी बड़ी होती है यहाँ पे हर एक काम करने के लिए। सो मैं विनीत जी से रिक्वेस्ट करूँगी वो हमें अपना पूरा सेट दिखाए, उनके मेकअप रूम से लेके सारा सेट। सो आर यू रेडी सर? यस एब्सोल्युटली। क्या है कि हमारा जो है सेट बहुत बड़ा है, एक सेट पे काम नहीं होता है, यहाँ हमारे कई सेट हैं, जहाँ एक सेट पे सेटअप लगता है, दूसरे पे हम शूट करते हैं, फिर एक सेट पे क्रोमा लगता है, फिर दूसरे पे शूट करते हैं, तो बहुत बड़ा सेटअप है। देखो जैसे बाहर आप देख रहे हो ये सारे सब। हमारे सेट डिज़ाइनर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये सब एक सेट से दूसरे सेट हमें शिफ्ट करने पड़ते हैं। ये भी हमारा पीछे सेट है जिसमें शूट चल रहा है अभी। आइए, मैं वहाँ शूट चल रहा है तो हम दूसरा सेट दिखाते हैं आपको। आइए, तो हम आगे हमारे दो तीन जो सेट्स हैं उनमें से एक सेट के बाहर, आइए दिखाते हैं आपको कितनी मेहनत और मशक्क़त से हम काम करते हैं इन सेट्स पे। तो ये है, ये हमारा सेट की एंट्रेंस है, लेकिन उसके बाहर आप देखोगे ये सारा सामान जो इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा इतना सारा सामान रखा हुआ है, मतलब ऑथेंटिसिटी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ हमारे सेट डिज़ाइनर्स ने। आइए, ये रहस्यमय सेट के दर्शन कराते हैं हम आपको शनिदेव के सेट के। आइए, ये है हमारा खूबसूरत सेट, दिखाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से बनाया, एक एक चीज़, एक एक पेंट, मतलब बहुत टाइम लगा इसे बनने में और बहुत मेहनत की है सबने मिलके, और उम्मीद है स्क्रीन पे दिखता भी होगा इतना खूबसूरत, जो अब तक रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से लोगों ने बताया है। और ह्यूज सेट है, मतलब दो तीन सेट में से एक ये है, यहाँ पे आधा हमारा क्रोमा लगा हुआ है, आप दिखाइए।
आपने शो में देखा होगा या अभी देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, शनिदेव उड़ जाते हैं या जो हमारे ग्रह नक्षत्र हम दिखाते हैं तो इस क्रोमा की हेल्प से हम शूट करते हैं, बाद में उन्हें सीजी की मदद से बनाया जाता है। तो ये देखिए हमारा सेट, आगे आइए। क्या है कि ऐसे शोज़ में ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन हमारे सेटिंग वाले जो हैं और लाइटिंग, इतने बड़े सेट की लाइटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आप ऊपर से नीचे देखेंगे ना, हमारे प्रोड्यूसर का बिजली का बिल जो आता है वो तो है ही बट उसके अलावा हमारे लाइटमैन कैमरामैन उनकी मेहनत भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना बड़ा सेट उसको लाइट अप करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट आई थिंक आप एपिसोड में देखेंगे कितनी खूबसूरत लाइटिंग हुई है हमारे शो में। दिखाइए कितना अच्छा बनाया हुआ है, पूरा पिलर से लेके सब कुछ डिटेलिंग का ध्यान रखा हुआ है। हाँ, तो अब शनिदेव करते हुए घर से ज़्यादा जो टाइम है ना हमें सेट पे बिताना पड़ता है, तो यही जगह है, हम यहाँ जहाँ जिसको जगह मिल जाती है हमें फैल जाते हैं, यहीं सो जाते हैं, तो टाइम होता नहीं है इतना। एक तो सेट दूर है हमारा नायगांव में, ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता है, तो रेस्ट यहीं करते हैं। बाकी इसका दूसरी तरफ है जहाँ हमारे मेकअप रूम्स बने हुए हैं सेट के अंदर ही, वो मैं दिखाऊँगा किसका रूम दिखाना है मुझे पता है कब, शो यू। सो बस ये हमारा खूबसूरत सेट, आपको पसंद आया होगा, शो में तो आप देखते ही हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया है पूरा सेट, मतलब एक सेट का आपको विजुअल्स पूरा दिखा दिया गया है, बाकी भी सेट है बट वहाँ पे कुछ काम चालू है तो हम वहाँ का सेट आपको कहीं किसी और दिन दिखाएंगे, जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा शो में। बट विनीत सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जब हम दोबारा यहाँ आए वो हमें वो सेट भी दिखाएंगे, बट फिलहाल आपको ये सेट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बट जाने से पहले मैं विनीत सर से एक बात जानना चाहूँगी, जब आप ऐसे माइथो शोज करते हो जो इसमें शूट होता है, इसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज किसी के इमोशनल सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं होने चाहिए, इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है, सो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपकी? पहली बात तो ये मेरा पहला माइथो शो है, इससे पहले जो ध्रुव तारा था जो सेट पे भी किया था, सेट मतलब डिफरेंट था पर सेट यही था, जगह यही थी, तो वो थोड़ा हिस्टोरिकल था, बट ये फुल पौराणिक कहेंगे हम जिसे कहें भगवान से रिलेटेड, तो इसमें जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कुछ भी ऐसे इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है जो जी में है कुछ कर सकते, जो राइटर ने बहुत रिसर्च के बाद लिखा हुआ है, इतने लोगों की भावनाएँ जुड़ी होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो मन में आए उठा के बोल दें। एक एक शब्द पे हमारी जो क्रिएटिव्स हैं उनकी बहुत मेहनत पड़ जाती है, मॉनिटर बैठ के कभी कुछ शब्द गलत निकल जाए या कुछ हो जाए बहुत ध्यान रखा जाता है, तो उसकी वजह से हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। शुद्ध हिंदी में लाइंस हैं उन्हें याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉस्ट्यूम अभी आप देखेंगे कितना हैवी है सब कुछ देव का, तो मेहनत बहुत है और जिम्मेवारी भी उतनी है, तो बस कर रहे हैं मेहनत। आई होप अब तक जितने एपिसोड्स बने हैं जिसने देखे होंगे तो उन्हें पता चल रहा होगा हमने कितनी मेहनत की है। वो जो आपका जो आउटफिट है वो दिखने में तो काफ़ी हैवी लग रहा है, बट वो कितना हैवी कितना है वो? नहीं नहीं काफ़ी हैवी है वो मुकुट जो है ना, उनको रियलिस्टिक रखने के लिए उन्होंने बहुत हैवी बनाया, तो पहले तो एक दो दिन जब शूट नहीं भी था तो भी मैं पहन के घूम रहा था ताकि आदत पड़ जाए, वरना तो ऐसा लगेगा अनईजी सा पहनने के बाद, तो वो भी बहुत हैवी है, ज्वेलरी भी बहुत हैवी दी है, बाकी तो कपड़े जितने हैं उतने हैं। ओके, थैंक यू सो मच विनीत जी, आपने इतना टाइम दिया हमें, पूरा सेट टूर करवाया आपने, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही शो धमाल मचाते रहे और हम वापस आए इंटरव्यू करने जब ये 100, 200, 300 एपिसोड्स पूरा कर ले। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द शो।